गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद अ पोएम। यू हैव सीन देयर इज अ पोएम आफ्टर ईच चैप्टर इन योर बुक, सो वी विल डू दिस पोएम फर्स्ट। सो दिस इज द पोएम अबाउट द एंट एंड द क्रिकेट। क्रिकेट इज झिंगुर एंड द एंट इज चींटी। अ फेबल इज अ स्टोरी। फेबल होता बेटा यथार्थ, रियलिटी। अब ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज अ मॉरल। जब भी एनिमल्स को लेकर कोई भी या फिर पोएम बनाई जाती है दैट ऑलवेज कन्वेज अ मॉरल। उनमें कोई ना कोई मॉरल जरूर होता है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस हमारे अस्तित्व के लिए, विच इज़ अ ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन। मतलब यहाँ पे फोर लेग यानी चींटी को कंपेयर किया गया है टू द क्रिकेट झिंगुर से। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। आप कई बार आपने देखा होगा क्रिकेट को टू लेग के साथ। क्रिकेट यानी झिंगुर बेटा, झिंगुर आपने सबने देखा होगा। अ सिली यंग क्रिकेट, मतलब एक सिली बेवकूफ, यंग मतलब युवा झिंगुर। अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम मतलब बेटा जो यूज टू हो जाता है। इट इज़ यूज टू सिंग थ्रू द वॉर्म गरम सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। गे यहाँ पर है बेटा हैप्पी, समर एंड स्प्रिंग मतलब ही यूज टू सिंग इन द समर एंड स्प्रिंग बसंत के सीज़न में। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड इट, मतलब वो समर और स्प्रिंग के सीज़न में तो ही यूज़ टू इन्जॉय, बट बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड इट, जैसे वो जब इसे ये पता चलता एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। और जैसे ही विंटर आता और उसके घर में सारी चीज़ें क्या होती, ख़त्म हो जाता, जो उसके घर में खाने पीने की चीज़ें हैं ख़त्म हो जाती। ही बिगिन टू कंप्लेन और वो शिकायत करने लगता, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, मतलब मेरे घर में एक क्रम मतलब एक टुकड़ा भी नहीं है। ऑन द स्नो क्रवर्ड ग्राउंड, और जो बाहर आपने विंटर में देखा होगा क्या हो जाती है, पूरी तरह बर्फ़ से ढक जाती है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई भी एक भी फ्लावर नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बर्फ़ के टाइम पे स्नोफॉल होता है। सर्दी के सीज़न में जो स्नोफॉल होता है उससे पूरा लैंड कवर हो जाता है और वहाँ पर कोई भी मतलब एक फ्लावर भी नहीं दिखाई दे रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, मतलब एक क्योंकि बर्फ़ जम जाती है तो पत्तियाँ भी क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो एक पत्ती भी नहीं दिख रही है ट्री पर। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, मतलब अब मेरा क्या होगा, ओह अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, मतलब अब क्या होगा, मैं स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या होता है बेटा भुखमरी, डेथ बाय हंगर डेथ हो जाना। फेमाइन क्या होता है, स्कैर्सिटी ऑफ फूड खाने की कमी। एंड मेड बोल्ड मतलब अब मुझे क्या बना दिया है, बोल्ड बना दिया है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, वो मतलब क्या होता है, पूरा गीला हो गया था। एंड ट्रेमलिंग मतलब कांपना, विथ कोल्ड ही वॉज क्या कर रहा था, कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू मिजरेली एन एंट, किसके पास गया वो, एक माइजरली एंट के पास, किसके पास गया, एक माइजरली एंट के पास। टू सी इफ ही टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, मतलब वो इस क्या चाहता था कि शायद वो उसे क्या दे दे, आश्रय दे दे या फिर शेल्टर दे दे। हिम हिम शेल्टर फॉर रेन, बारिश से बचने के लिए क्या दे दे, शेल्टर दे दे, पनाह दे दे। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और क्या दे दे, थोड़ा सा खाना। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बस उसकी इच्छा क्या थी कि वो ये क्या कर सके, बोरो कर सके। ही हैड रिपे इट टुमोरो, और वो इसको क्या कर देगा, उन्हें वापस भी दे देगा। इफ Not he must die of starvation and sorrow. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, starvation और उसके उसकी क्या हो जाएगी, death हो जाएगी, मतलब वो मर जाएगा। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो उस टाइम पर उसे खाना नहीं मिला तो he will be dead very soon. आज हम यही फर्स्ट पेज ही करेंगे। You have to do hard words of this chap this page in a very beautiful handwriting. Thank you.